नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित खबरों के साथ साथ कोरोना की भी खबरें हैं और लॉकडाउन की भी खबरें हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली न्यूज, बीएड की प्रवेश परीक्षा स्थगित हो गई है। दूसरी न्यूज यूपी पीएससी की है, छात्रों को अभी तक पाठ्यक्रम नहीं मिला हुआ है। तीसरी न्यूज, मदद के लिए अमेरिका सहित सभी देश इस समय भारत की तरफ देख रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर फर्जी नियुक्ति पत्र की जाँच रुक गई है। प्रतियोगी छात्रों के सम्मुख कठिन समस्याएं तैयारी नहीं हो पा रही है। छात्रों के एक भी केस आने तक कोरोना का नहीं हटेगा लॉकडाउन। एडीसी में शिक्षकों के 73% पद खाली, 8वीं पास के लिए 2500 पदों पर भर्ती, विशेष शिक्षकों को 1 महीने से नहीं मिला वेतन। तो दोस्तों, ये है मुख्य खबरें और इन पर सभी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली खबर ये है कि 22 अप्रैल को भी नहीं हो पाएगी बीएड प्रवेश परीक्षा। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन 22 अप्रैल को नहीं होगा। प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय में परामर्शदात्री समिति की बैठक के बाद यह फैसला किया गया। प्रवेश परीक्षा की नई तारीख की घोषणा अब लॉकडाउन खुलने के बाद शासन के साथ बैठक करके तय की जाएगी। तो अब ये काफ़ी लंबे समय तक टल गई है परीक्षा, कम से कम 1.5-2 महीने पीछे हो जाएगी ये परीक्षा। 22 अप्रैल जो थी, तो आप ये समझ लीजिए अप्रैल पूरा भूल जाइए, मई भी भूल जाइए, यह परीक्षा अब जून में संभावित हो सकती है। दोस्तों, दूसरी न्यूज है अभ्यर्थियों की पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने की मांग। और ये अभ्यर्थी हैं UPPSC के, और इनकी जो वैकेंसी निकाली गई थी सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी, इसकी वैकेंसी निकाली गई थी। तो इसकी परीक्षा 30 जून तय कर रखी है कि 30 जून को इसकी परीक्षा होगी, जबकि अभी तक इन छात्रों को पाठ्यक्रम नहीं मिला है। पाठ्यक्रम आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड किया है, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के चक्कर में यह पाठ्यक्रम इनको नहीं मिल पा रहा है। आयोग की वेबसाइट खुल रही है तो ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। ऐसे में छात्र इस पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। अब आयोग चाहे तो इस पाठ्यक्रम को समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करा सकता है। अगर वहाँ पर प्रकाशित कर दे तो सभी छात्रों को ये उपलब्ध हो जाएगी। अगली न्यूज पे आते हैं, फर्जी नियुक्ति पत्र की जांच ठप, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का मामला है। फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे विज्ञापन संख्या 47 के तहत जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें, और इसमें जो जाँच चल रही थी वो जाँच अभी ठप हो गई है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत 6 विषयों के चयनितों की ऑनलाइन काउंसलिंग कराकर चयनितों का नियुक्ति पत्र वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया। 5 मार्च को निदेशालय को शारीरिक शिक्षा विभाग विषय के एक चयनित से अंग्रेजी में लिखा नियुक्ति पत्र मिला। इसके अलावा अंग्रेजी, अर्थशास्त्र व शारीरिक शिक्षा विषय का फर्जी नियुक्ति पत्र बनाने की शिकायत हुई थी। उस पर उच्च शिक्षा निदेशक ने डिग्री कॉलेज प्रबंधन को पत्र जारी करके कहा था कि चयनितों द्वारा दिए गए नियुक्ति पत्र के आधार पर किसी को कार्यभार ग्रहण ना कराया जाए। अगली न्यूज पे आते हैं, क्लोरोक्विन के लिए सभी देख रहे हैं भारत का मुंह। देखिए, मैंने दोस्तों आपको परसों के न्यूज में बताया था कि अमेरिका सहित बहुत सारे देश अब भारत की तरफ देख रहे हैं, और भारत के पास क्लोरोक्विन दवाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। इसकी व्यवस्था पहले से कर ली गई थी और यह कोरोना से के वायरस से लड़ने के लिए काफ़ी मददगार है ये दवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई टेलीफोन बातचीत में क्लोरोक्विन दवा के निर्यात करने का आग्रह किया गया था। बाद में ट्रंप ने बताया कि हमने मोदी से मलेरिया के इलाज में काम आने वाली दवाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का निर्यात खोलने की अपील की है। भारत में यह दवा बड़े पैमाने पर बनती है, यह दवा कोरोना के इलाज में भी कारगर है। मैं जानता हूं कि भारत की बड़ी आबादी को भी इसकी ज़रूरत है, फिर भी मोदी ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। ट्रंप के इस बयान के कुछ ही घंटे बाद ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयम बोल्सोनारो ने भी ट्वीट कर कहा, मेरी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से बात हुई है और भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की आपूर्ति जारी रखने का आग्रह किया गया है। तो इस तरह से सारे देश अब भारत की तरफ देख रहे हैं क्लोरोक्विन के लिए, और
भारत सरकार ने लगाया है निर्यात पर प्रतिबंध। अभी इस दवा के निर्यात पर प्रतिबंध भारत सरकार ने लगा रखा है और इसका उत्पादन बढ़ाना अगर भारत चाहे तो उसके लिए भी भारत में दिक्कत है, क्योंकि भारत को दवा का उत्पादन बढ़ाने के लिए चीन से चाहिए EMME, जो कि आपूर्ति इस समय जिसकी आपूर्ति स्थगित है। तो ये समस्या आ रही है, अगर ये आपूर्ति मिल जाए तो भारत को इस दवा को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, एक गंभीर मुद्दा आपके सामने है, कैसे पढ़ाई हर दिन हो रही है कठिन स्थिति, और जो लॉकडाउन के बाद जो छात्र ट्यूशन पर आधारित रहते थे, ट्यूशन से अपना खर्चा निकालते थे और उससे तैयारी करते थे, इलाहाबाद हो या दिल्ली हो या फिर लखनऊ हो, इस तरह के बड़े बड़े शहरों में, तो उनके सामने एक अजीब सी स्थिति आ गई है। ट्यूशन उनके बंद हो गए हैं, उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं बचे। तो अब उन छात्रों के सामने एक वक्त की रोटी से गुजारा करने के लिए मजबूर है ये छात्र, इससे पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। तनाव में है प्रतियोगी छात्र और परीक्षा की तैयारी करने में इनको दिक्कत आ रही है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, परीक्षा की तैयारी अनुराग द्विवेदी लॉकडाउन में फंस गए हैं। मूलतः बस्ती के रहने वाले अनुराग यहाँ ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करते हैं। 500 रुपये कमरे का किराया है, बाकी 1500 रुपये में महीने का खर्च निकल आता है। तो 500 रुपये महीने का किराया है और 1500 रुपये में बाकी अपना खर्च निकालते हैं। 2000 के आसपास की इनकी ट्यूशन से जो है अर्निंग होती है, उससे ही ये अपनी तैयारी करते हैं। लॉकडाउन में ट्यूशन बंद है, आमदनी ठप हो गई है। इस वक्त एक वक्त की रोटी खा के काम चलाना पड़ रहा है। उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है कि देश दुनिया का हाल जान सकें या उन संसाधनों से संपर्क कर सकें जो लॉकडाउन में फंसे प्रतियोगी छात्रों तक मदद पहुंचा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऐसे बहुत से छात्र फंस गए हैं और ये छात्र जो है इनके लिए अब काफ़ी दिक्कत हो रही है गुजर बसर करना यहाँ पर, क्योंकि इनको तैयारी भी करनी है और आर्थिक समस्याएं भी इनके पास आ रही हैं। एक दूसरा केस भी इसी तरह का है, माला कुमारी हैं, एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी जो बंद हो गया, उसके बाद इन्होंने ट्यूशन शुरू कर दिया। लॉकडाउन में ट्यूशन बंद हो गया, थोड़ा बहुत बचाया था, अब उसी से खर्च निकाल रही हैं। तो ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, ये सारे स्टूडेंट, कोई खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहा है, कोई PCS तैयारी कर रहा है, कोई RO की तैयारी कर रहा है, तो इनके सामने ये सारी समस्याएँ अब आ रही हैं। अगली न्यूज़ पे आते हैं, UP की न्यूज है, एक भी केस रहने तक नहीं हटेगा लॉकडाउन। साफ साफ बोल दिया गया है कि प्रदेश में 319 संक्रमित हो गए हैं। लखनऊ में 2.5 साल का बच्चा भी पॉजिटिव मिला है और जब तक एक भी केस यहां पर रहेगा तक लॉकडाउन हटने की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए यूपी में फ़िलहाल 14 तारीख को लॉकडाउन इतनी आसानी से नहीं हटने वाला है। हालांकि कल की न्यूज़ में था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चरणबद्ध तरीके से इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं और अधिकारियों से, सांसदों से, विधायकों से उन्होंने बात की है, लेकिन कल शाम तक ये आधिकारिक बयान आया है प्रदेश सरकार के अधिकारियों की तरफ से कि जब तक एक भी केस यहाँ पर रहेगा तब तक लॉकडाउन नहीं हटेगा। अब देखना है ये है कि 14 तारीख को लॉकडाउन कुछ हिस्सों में हटता है या नहीं हटता है। उसे उम्मीद है जहाँ तक कि जिन जिलों में इसका प्रभाव नहीं है वहाँ पर लॉकडाउन हट जाएगा और जिन एरिया में कम प्रभाव है वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन रहेगा और जहाँ पर ज़्यादा प्रभाव है वहाँ पर लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा। एक और न्यूज है कि कनिका की रिपोर्ट निगेटिव आई है और कनिका को डिस्चार्ज कर दिया गया है। ADC शिक्षकों के 73% पद खाली पड़े हुए हैं। ADC यानी कि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ADC में शिक्षकों के 73% पद खाली पड़े हैं। जून में 2 अन्य शिक्षक भी रिटायर होने जा रहे हैं। अगर नए सत्र में कॉलेज में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो राहत होगी, वरना कक्षाओं का संचालन कॉलेज प्रशासन के लिए चुनौती बन जाएगा। और ये एक बड़ी समस्या है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और 119 पद खाली पड़े हुए हैं और 164 पद शिक्षा है जिसमें से 119 पद खाली पड़े हुए हैं, यानी कि 73% पद खाली पड़े हुए हैं। तो
तो ऐसे में कैसे पढ़ाई होगी इन कॉलेजों में। आठवीं उत्तीर्ण छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका आया है। गृह रक्षा मंत्रालय राजस्थान जयपुर में 2500 पद है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कक्षा 8 से पास छात्र, और अंतिम तिथि 6 मई 2020 है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, आप जाके यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 200 रुपये व 175 रुपये, दो तरह की फ़ीस है, कैटेगरी के हिसाब से आपकी फ़ीस है। जिस कैटेगरी का आप हैं वो आपको देखना होगा, और ये वेबसाइट यहाँ पे दे दी गई है, इस वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। विशेष शिक्षकों को 1 महीने से नहीं मिला है वेतन। दिव्यांग बच्चों के जीवन में रोशनी भरने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष शिक्षकों को अपने घरों में अंधकार है। जिले के 20 से अधिक विशेष शिक्षकों को मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी संविदा पर तैनात जो शिक्षक हैं उनको वेतन नहीं मिला है, इस वजह से उनको अपना घर खर्च चलाने में दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों ये थी आज के प्रमुख खबरें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।